दिल्ली में 75 साल की बुजुर्ग महिला कविता ग्रोवर के कत्ल के मामले में पुलिस ने पड़ोसी दंपत्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही नाले में फेंके गए शव को भी बरामद कर लिया। मामले में अब तक सामने आया है कि बुजुर्ग महिला बेटे और बहू के साथ मोहन गार्डन में रहती थी। 7 जुलाई के बाद उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच में पता चला कि पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति भी गायब चल रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दंपत्ति को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से बरेली से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्या के इस मामले में 1 लाख रुपए की लेन देन की बात सामने आई। बुजुर्ग महिला लगातार अपने 1 लाख रुपए दंपत्ति से मांग रही थी। पुलिस का कहना है कि मामले में पति अनिल के साथ पत्नी तनु भी शामिल थी। दोनों ने 3 बैग में लाश के 3 अलग अलग टुकड़े करके नजफगढ़ के एक नाले में फेंक दिए थे। आरोपी महिला का कहना है कि हत्या के बाद वो लगातार अपने पति के दबाव और उसकी नज़र में थी, इसलिए किसी से कुछ नहीं बता सकी। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 लाख रुपए के लिए अनिल ने अपनी पत्नी तनु के सामने ही बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। हत्या के वक्त तनु वहीं बैठी रही, पति उसी के सामने बुजुर्ग महिला के लाश के टुकड़े करता गया और तनु उसे चुपचाप देखती रही। इसके बाद तनु और उसके पति अनिल ने मिलकर महिला के शव को बैग में रखा और ले जाकर फेंक दिया। यह पूरा मामला दिल्ली के द्वारिका का है। यहाँ 3 जुलाई को 75 साल की महिला कविता ग्रोवर का कत्ल हुआ था। इस कत्ल का खुलासा दिल्ली पुलिस ने कर दिया, लेकिन मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि एक पति अपनी पत्नी के सामने ही कत्ल की वारदात को अंजाम देता रहा और पत्नी बैठकर देखती रही और बाद में पति के साथ मिलकर उसने लाश को भी ठिकाने लगाया। फिलहाल इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।